तीन दो एक। एक और बार करते हैं, एक और बार। एक दो तीन चार, पांच स्किप्स। मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है बोल्डर। शुक्रिया, पर इसका श्रेय ब्लॉसम बेल को जाता है। ये कितना खूबसूरत है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले 82% कचरा कम फेंका जाता है। लोगों को ये जगह पसंद है, इसलिए वो इसका ख्याल रखते हैं। हम सबको घर वाले इलाकों से ज्यादा घाटी पसंद है। शुक्र है काउंसिल ने इसे नहीं बदला। मेयर और उनकी बीवी को यहाँ स्नॉर्कल करना अच्छा लगता है। अब इसे देखो। इस खेल को बंद करना कैसा रहेगा बॉयस? कोई पुराने हॉक इनके कुएं में गिर गया है। मामी। सभी लोग पीछे हट जाइए। उसका नाम कैथी है, जल्दी कीजिए। कैथी, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। डैड, हम इसमें से नहीं निकल पाएंगे। मैं कोशिश करूं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा कैथी। कैथी। सोए थे चार बॉस कहीं पर, चालीस सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रुको रुको, कैथी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाय, मैं कोडी हूँ और हम तुम्हें बाहर निकालेंगे किसी भी तरह। मुझे ऊपर खींचो। कैथी। अंदर की दीवारें टूट रही हैं, हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। सोच लिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये कुआं 25 फीट गहरा है, हमें इससे बड़ा कुआं खोदना होगा जो नीचे से इससे जुड़े। ठीक है। पावर अप और एनर्जाइज। क्या थी? डैनी, क्या वो ठीक है? आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। मेरा नाम कैथी है, चलो मजे करें। ये लो, हमने बोलने वाली एक गुड़िया की जान बचाई है। कैथी, आओ, आपने इसे पूरा गंदा कर दिया। मॉम, आपको क्या लगता है, इससे इसकी अहमियत कम हो जाएगी? ऐसा हो सकता है मेरी बच्ची, क्योंकि आपने इसे नीचे गिराया है, तो आप ही मुझे नई डॉल ला कर देंगी। मिस पिंच। ओह रिलैक्स चार्ली, तुम्हारे जाया हुए वक्त के लिए मैं भरपाई कर दूंगी। वैसे तुम्हारे रोबोट्स काफी होनहार है। इनकी तो अच्छी मांग होगी मार्केट में। सबका क्या लोगे? तारीफ के लिए शुक्रिया मैडलिन, पर ये बिकाऊ नहीं है। वैसे कभी आपका फैसला बदला तो? प्रिसिलिया मेरी बच्ची टेनिस के लिए देर हो रही है। I love you. उदास क्यों हो बेटे? क्या तुम्हारी चोको एटॉमिक आइसक्रीम मजेदार नहीं है? नहीं, सोच रहा हूँ पिंच फैमिली ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो इस आइलैंड के मालिक हो। कुछ लोगों को जो चाहिए वो पाने की आदत होती है और वो किसी की परवाह नहीं करते। इसी बात पर सर, हमें ना बेचने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पार्टनर को बेचते नहीं है चेज, या एक दोस्त को। किसी ने यह गिरा दिया है शायद। चीफ बोन्स बोल रहा हूँ, क्या आपका फोन गुम गया है? हुँ?
प्रोजेक्ट सबसे अहम है। क्या? मैं इसे बाद में गुमशुदा चीजों के डिब्बे में डाल दूंगा। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है कोड़ी, तुम अकेले घर जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। बाय। सर, जाहिर है आपको वहाँ पड़ा कूड़ादान नजर नहीं आया होगा। हमें किसी खास काम के लिए जाना है चेज। तो क्या कहीं कोई खतरा है या कोई मुसीबत है सर, या फिर कुछ बदमाशों को सबक सिखाना है सर? कुछ ऐसा ही समझो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ब्लॉसम वेल को शांति से खाली कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है, चलो जल्दी। और किसी भी खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे कुछ और कहना चाहिए था। हे डैड, उम्मीद करता हूँ सब ठीक है, आपसे कोई बात ही नहीं हो पाई। मैं थका हुआ हूँ कोडी, कल बात करते हैं। शायद आज मुश्किलों भरा दिन रहा है। चेस, अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे? ब्लॉसम वेल खाली करवा रहे थे। चीफ का कहना था कि जहरीले सल्फर का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। क्या, हम वहीं पर तो थे? मुझे लग ही रहा था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमें सल्फर से कुछ नहीं होता है ब्लेड्स। सिर्फ ये जानकर कि वो वहाँ पर था, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। मुझे तो आज ब्लॉसम वेल सल्फर नहीं मिला। दोपहर में मुझे भी नहीं मिला। इसके बावजूद चीफ का मानना था कि अगर चीफ ने कहा है कि वेल को खाली करना है तो हमें उसे खाली करना होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं महसूस कर सकता हूँ। क्या? हेलो, कौन? प्रोजेक्ट सबसे अहम है। प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। डैनी अभी रात की शिफ्ट के लिए बाहर है, उसे हमें बाद में मिलना होगा। आप लोग इतने सुबह क्यों उठ गए? हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कोडी, तुम सो जाओ। ये फोन उसी फोन के जैसे हैं जो हमें बस स्टॉप पर मिला था। अभी हमें एक जरूरी काम के लिए जाना है, चलो बॉयज, हमें समय के मुताबिक काम करना है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी? हाँ, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। केट, शहर में एक गाड़ी में आग लग गई है। केट, क्या तुम? हे, तुम कोड़ी को जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्रोजेक्ट को अहमियत देनी है। कैसा प्रोजेक्ट? ब्लॉसम वेल। बात हुआ केट, बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो वहाँ पर क्या चल रहा है। नहीं, बेहतर होगा कि तुम बिना सवाल किए आदेश का पालन करना सीख लो। खबरदार जो मुझसे ऐसी बात की। हीट वेव, हम एक बेहद नाजुक मिशन पर हैं। कोई बहस नहीं, एकदम चुपचाप रहना, तुम समझे कि नहीं? जी, समझ गया। डैनी, एक इमरजेंसी कॉल आया है। सॉरी कोडी, पर हम पूरी रात खोए हुए पेट्स, भटकते हुए ट्रैफिक लाइट बॉट्स और बदमाशों की मुसीबतों से निपटते रहे। आखिरी काम के लिए चेज हमारे साथ नहीं आया। मैं किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा। देखो, गाड़ी की आग अब बिल्डिंग में फैल रही है। और मेरा स्कूप क्लॉ इसके लिए काफी नहीं है। आखिर हीटवेव कहाँ गया? डैड, केड, ग्रहम, कोई है? आग बढ़ती जा रही है। हाँ,
जा रही है, हमें मदद चाहिए। बस बहुत हुआ गेट, हम फायर फाइटर्स हैं, हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? डैनी सब संभाल लेगी। चीफ, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है और हम ये क्यों कर रहे हैं। और वो जहरीला सल्फर जो कि मौजूद भी नहीं है। तुम सही हो, तुम सबको बताने का वक्त आ गया है। ग्रैम, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। काश हीट वेव की तरह मुझसे भी पानी निकल सकता। अच्छा यह जो नहीं निकलता, वरना बड़ा अजीब लगता। नहीं डैनी, मेरे पास एक तरकीब है। ब्लेड्स, एक काम करो, आग के ऊपर पानी को अपने पंखों से फैलाओ। जैसे ही आइडिया काम करेगा। मैं जानता था ये काम करेगा। बहुत अच्छी कोडी। उस आग को तो बुझा दिया, पर उस हाइड्रेंट को कौन ठीक करेगा या फिर इस ट्रैफिक जैम को कौन संभालेगा? मेरा परिवार तो बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं होता कि डैड को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा। डैड कुछ बदले से लग रहे हैं डैनी। कल उन्होंने ब्लॉसम वेल को बंद कर दिया और उनके पास उसके लिए कोई वजह नहीं है। ब्लॉसम वेल? हाँ। ये पॉजिटिव है, हमें और देखना होगा। ऐसे वाले और लेकर आओ। यस सर। की खुदाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये करना जरूरी है। किसने कहा? मैंने। हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हो क्या रहा है? जमीन की सफाई। तुम मदद के लिए बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं ब्लेड के क्लॉज देखता हूँ कि क्या वो वजन उठा पाएंगे। एक मिनट रुको, जमीन की गंदगी हटाना आग बुझाने से ज्यादा जरूरी काम कैसे हो सकता है? पूरा आइलैंड ब्लॉसम वेल की वजह से खतरे में है। वैसे तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो डैनी? नहीं, मैं बस थोड़ी उलझ सी गई हूँ। ये लो, इन नए फोन्स की लाइन सुरक्षित है, इसलिए हम बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए आपस में बात कर सकते हैं। इसका कनेक्शन जांच लेते हैं। प्रोजेक्ट सबसे अहम है। प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। डैनी, नहीं, ये फोन्स की वजह से है। लगता है ये लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। फोन लो डैनी। शुक्रिया, पर मेरे लिए कॉम यूनिट्स ही ठीक है। भागो। अब हम क्या करने वाले हैं? पहले हम डॉक्टर ग्रीन से मिलते हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। प्रोजेक्ट का होना जरूरी है, हमारी मदद करो कोडी। हाँ कोडी, मदद करो। वो सब कुछ खतरे में डाल देगा। कुछ नहीं करेगा डैनी, जल्दी करो, हम समय से पीछे चल रहे हैं। हाँ समझ गई। हेलो कोडी, कैसे हो? डॉक्टर, कुछ गड़बड़ है, मेरे परिवार पर कोई धुंध सवार है और बॉट्स पर भी। ये तो बड़ी ही गंभीर बात है, बेहतर होगा कि हम टाउन हॉल में मिलें। फिक्र मत करो कोडी, हमने मेयर को फोन्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर मैंने तो आपसे फोन्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मेरी बात सुनो कोडी, तुम्हारे डैड सुबह हमसे मिलने आए थे। अगर तुम हमसे मिल जाओ तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर
हमें इस प्रोजेक्ट को हर हाल में अहमियत देनी होगी। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कोडी। वो भाग गया, फैल जाओ। मैं जानती थी वो इस नाले में छुपा है। फ्रैंकी, ये जाने के लिए तैयार है। क्या हो रहा है? ये एक जरूरी काम है बोल्डर। क्या कहा डॉक्टर? कोडी को आइलैंड से बाहर मत जाने दीजिएगा। कोडी, डरो मत, मैं पहले जैसा हो गया हूँ। अच्छा, साबित करो सैटरडे के दोपहर में तुम्हें क्या करना पसंद है? पेंटिंग करना, थोड़ी रिसर्च करना या फिर म्यूजिक सुनना? हाँ, तुम ही हो। दरअसल मैं ब्लॉसम वेल की खुदाई की बात को छोड़कर किसी भी बात को मान लेता। शायद मुझे पता है सबको होश में लाने के लिए क्या करना है। उनके फोन को तोड़ डालो। मुझे भी उसे ढूंढने के लिए भेजा गया है। मैं उधर देखता हूँ। शायद उन्होंने यकीन कर लिया। समझ में नहीं आ रहा कि फोन से लोग हिप्नोटाइज कैसे हो सकते हैं। शायद उस टोन की वजह से जो फोन उठाने पर सुनाई देती है। यानी कि फोन ने डैड को ब्लॉसम वेल की खुदाई करवाने का काम सौंपा और उसे रोकने के लिए कहा जो इस काम में रुकावट पैदा करे। पर क्यों? वो सब गड्ढे में होंगे। ठीक है, हम वहाँ जाकर डैड के फोन को तोड़ देंगे, फिर वो दूसरों के फोन को तोड़ने में हमारी मदद करेंगे। बेटे, तुम फ्रैंकी को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। वो होशियार है। बोल्डर, भागो! अब हम सबके फोन्स को कैसे नष्ट करेंगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने उसे नष्ट कर दिया तो। सेल टावर, हम इस आइलैंड के सभी मोबाइल फोन के सिग्नल को बंद कर देंगे। वो सेल टावर की तरफ जा रहे हैं। कोडी, संभालो! कोडी भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। रुको! क्या हुआ था? क्या हुआ? कोडी, मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इतना याद है कि तुम और मैं आइसक्रीम खा रहे थे। आपने अपना कोन गलत तरीके से फेंका था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने उस फोन को बेंच पर इसीलिए रखा था ताकि आपकी नजर उस पर पड़े। एक फोन जो लोगों को आदेश का पालन करने के लिए हिप्नोटाइज कर दे, यकीन नहीं होता कि ऐसी तकनीक भी हो सकती है।
और वो बॉट्स पर भी असर करता है। यह खतरनाक विज्ञान है। मुझे इस्तेमाल किया गया। पर कोई गड्ढे की खुदाई क्यों करवाना चाहेगा? सोना ढेर सारा। पर वो उसे आखिर लेकर कहाँ गए? मेरे मतलब हम उसे कहाँ ले गए? थोड़ा सा अजीब नहीं है कि ये सब होने से ठीक पहले एक कंपनी ब्लॉसमविल को खरीदना चाहती थी। लगता है जैसे उन्हें पता था कि यहाँ सोना है। और जब वो ये जगह खरीद ना सके तो उन्होंने वो फोन इस्तेमाल करके हमसे ये घटिया काम करवाया। कितना भी समय लगे पर हम पता करके रहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। हमने किया है तो हम ही ठीक करेंगे। हम गड्ढे भर के यहाँ पेड़ लगाएंगे और मेरी पेंटिंग हमें गाइड करेगी। मेरे ख्याल से हमें जल्द ही शुरू करना चाहिए। लगता है हमें मदद भी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा था, लोगों को ये जगह पसंद है इसलिए वो इसका ख्याल रखते हैं। मॉम, देखिए मुझे सीट के नीचे क्या मिला। ये कितना चमकीला है। मुझे ये चाहिए। माफ करना बच्ची, मैंने अपनी कंपनी को इस मॉडल को सुधारने के लिए कहा है। इस सिग्नल को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा।